खादी नजर आके मुलाकात करवाते हैं रूथ से। अस्सलाम वालेकुम रूथ। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। दहकता हुआ गुड मॉर्निंग, दहकता हुआ कोयला और दहकता हुआ गुड मॉर्निंग और दहकता हुआ और भड़कता हुआ गुस्सा और उस गुस्से में ड्राइविंग। ड्राइविंग वो क्या है? क्यों? वेरी रिस्की। वेरी रिस्की स्टार्ट गुस्से को इस तरह करते हैं। तेरे अब्बू अक्सर कहते हैं कि ये एक वो हराम चीज है जिसको पीना हलाल है। गुस्सा एक वाहिद वो हराम चीज को अगर पी ले तो हलाल है। अब गुस्से के अंदर नथिंग इज इन योर कंट्रोल, कोई चीज आपके कंट्रोल इख्तियार में नहीं है। True. आप गाड़ी लेके निकलते हो, आपको पता है आपको ड्राइविंग कैसे करनी है। True. बट उस वक्त आपके सेंसेस आपके साथ नहीं होते, सो यू टेंड टू टेक रॉन्ग डिसीजन। आप गलत डिसीजन लेते ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको टर्न मुड़ना होगा, बगैर देखे टर्न मुड़ लेंगे, यू टर्न ले लेंगे। उससे आपको पता ही नहीं होगा कौन से खड्डे आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, आप बस चलते जाएंगे। और ये बात उस दिन भी आप उसे डिस्कस कर रहे थे, एक दफा बहुत पहले जब हम प्रॉपर डिस्कस कर रहे थे कि आजकल की औरतों का सबसे बड़ा मसला है कि ड्राइविंग आ गई है। हाँ। तो गुस्सा आता है, बैठती हैं, चलाती गाड़ी चलाती हैं, और बच्चे भी कभी बच्चे कभी भी गाड़ी होते हैं, और स्कूल से लेने जाती गुस्से के अंदर, फिर जाती कुछ खाती रहती, खाती है, मोटापे का भी रीजन होता है। सो गुस्सा इज समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। एक होता है क्लिनिकल गुस्सा, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन की वजह से जो आप ठीक है। एक गुस्सा होता है इमोशनल, इमोशनली जो गुस्सा होता है विच इज वेरी डेंजरस, यानी किसी सिचुएशन हसास। औरतें सबसे ज्यादा हसास होती हैं, ठीक है। हमें लगता नहीं औरतों को इतना गुस्सा नहीं था, मर्दों को आता है, गलत है। औरतों को रेशो के हिसाब से ज्यादा गुस्सा आता है, सही है। लेकिन औरतों को वेंटिलेशन करने का इतना वो नहीं मिलता, ठीक है, रूम नहीं मिलता या जगह नहीं मिलती वेंटिलेशन करने के लिए। अब जिन औरतों को ड्राइविंग आती है, हमसे ड्राइविंग की बात करें, जिन औरतों को ड्राइविंग आती है वो अपना गुस्सा ड्राइविंग पे निकालती हैं, ठीक है, बगैर सोचे समझे कि उनकी ड्राइविंग से उनके साथ साथ कितने लोग और लोगों की जिंदगी वाबस्ता या रिस्क पे है। बिल्कुल सही कह रही है। अब वो बच्चों को स्कूल से लेने जा रही, सुबह उनकी सास से लड़ाई हो गई या किसी से लड़ाई हो गई, गुस्से में निकली ड्राइविंग करते हुए, बच्चों को ये डाला है उन्होंने। एक दफा आई वॉज गोइंग समवेयर, वहाँ पे सिटी स्कूल की तरफ से मैं जा रही थी, तो किसी खातून अपने बच्चे को लेने आई थी। अच्छा जा रही, अचानक से बच्चे का गेट खुल गया, ठीक है। अब आई वॉज सो शॉक कि द मदर इज नॉट दैट अवेयर कि बच्चे का जोर लॉक हुआ है नहीं, कुछ नजर आता है लॉक है या नहीं है। बिल्कुल नजर आता, ठीक है। और उस वो खातून इतनी अवेयर नहीं थी, बच्चे का दरवाजा खुल गया, या तो फिर बच्चे ने खोला, तो चाइल्ड लॉक लगाना चाहिए आपको, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अब उस वक्त क्या सोच में थी वो औरत, या केयरलेस थी, क्या था, यू डोंट नो। इसका मतलब है फोकस नहीं रहता, जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो फोकस नहीं रहता। और गुस्सा वो चीज है कि जो आप समझते हैं कि आपके कंट्रोल में, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं होता। गुस्सा सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों का आता है। हम सोचते नहीं गुस्सा तो मेरी किसी की वजह से मुझे, किसी की वजह से गुस्सा नहीं आता। हाँ। या आपकी अपनी कमजोरी का, अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करे, या आपको कोई कुछ गलत बोल दे, या आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आपको गुस्सा आ जाए, आपका रिएक्शन है, आपकी कमजोरी है, किसी की वजह से आपको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आपके अंदर होता है। हम अक्सर अपनी वजह से ही, अगर फॉर एग्जाम्पल तपते हैं बेसिकली, सुबह सुबह मैं अगर आपके पास आऊँ और मैं बिल्कुल मतलब मेरा मूड सही है, सब कुछ सही है, आपने मुझे जरा सा कह दिया मुझे गलत है, और मैं फ्लेयर अप हो जाऊँ, तो ये मेरे अंदर का गुस्सा है, मेरी वजह से तुम्हें गुस्सा नहीं आया। हम लोग हमेशा किसी की, हम लोग हमेशा जो एक हमारा मिथ है या हम एक चीज को बिलीव करते अपनी जिंदगी के अंदर, अगले ने कुछ जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते गुस्से की। हम हमेशा ये करते हैं यार मुझे तो इस माया की वजह से गुस्सा है, मुझे फला, मुझे मुनीजा की वजह से गुस्सा है, या मुझे मेरे अब्बू की वजह से गुस्सा है, किसी की वजह से गुस्सा नहीं आता। ये एक ऐसा शैतान है जो आपके अंदर ही होता है। आपको बस कोई कहते हैं ना, किसी ने उंगली कर दी, किसी ने पिन कर दिया आपको, तो वो निकल आया बाहर, लेकिन गुस्सा आपके अंदर ही होता है। ये हमारी एक मिसकॉन्सेप्शन, हम कहते हैं कि हमें किसी की वजह से गुस्सा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर हम अगर थोड़ा क्या करें रोज ऐसी सिचुएशन में, जब आप चाबी उठाएं और निकल जाएं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा, मुझे नहीं पता, जब आप देखते हैं तो लोग अजीब तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं और इंसान सोचता रह जाता है कि यार ये सर क्यों चला रहा है। कुछ लोग तफरी में चलाते हैं, कुछ लोग भरम में चलाते हैं, कुछ लोग गुस्से में चलाते हैं। उस वक्त जब आप सिचुएशन अक्सर होता है बड़ा, इस तरह तुमने कहा कि खवातीन गाड़ी लेके निकल जाती है, तो उस वक्त अपने आप को कैसे समझाए कोई भी औरत? अच्छा जरा से मैं गाड़ी की ड्राइविंग पे आऊंगी, ठीक है। ड्राइविंग के अंदर मसला है कि जो लोग तफरी में चलाते हैं या जो लोग शोबाजी के लिए चलाते हैं, लोग जो लोग गुस्से में भी चलाते हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, उनकी सेल्फ इमेज। वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, वी कैन डू समथिंग बेटर देन यू, ठीक है। और गुस्से के अंदर होता है कि हाँ ठीक है, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं निकल गया, मैं निकल गया घर से। तो एक चीज तीनों में कॉमन है, तो जो भी समझते हैं कि मैं बहुत चले, आप रेसर है, आपके पास ट्रैक होना चाहिए, आप जिस पे चलाएं। अगर आप रोडों पे चला ले, आप रोडों पे निकल गए, तो आपको नहीं पता कि जो दूसरा बंदा वो शायद इतनी गाड़ी अच्छी नहीं चलाता हो, जो आपके साथ दूसरा बंदा चला, दूसरी लेन में चला रहा है, आप उसको कट दे के चले गए, हो सकता है उससे गाड़ी ना संभाली जाए, उसे स्टेयरिंग ना संभाला जाए। तो आप अगर समझते हैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो विच इज समथिंग यू जस्ट फीडिंग योर ईगो,
ठीक है, और गुस्से के अंदर भी जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो आप ये प्रूफ करते हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कि मैं तो कर लूंगी, मैं आई नो ड्राइविंग, आई कैन लीव यू, आई कैन लीव यू, आई कैन लीव यू, आई कैन लीव एवरीथिंग, आई कैन लीव द किड्स। तो ये चीज आप एक अब लोगों को जाहिर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को ही, लेकिन आप जाहिर कर रहे हो, उसको तकलीफ दे रहे हैं, सिवाय अपने आप की, मैं नहीं चाह रहा कि उसको तकलीफ दे रहे हैं। अगर हम गुस्से को समझें कि गुस्से को किस तरह कंट्रोल करना है, तो एक हमारी वर्कशॉप होती है फोर डायमेंशन, जो आपने भी की, अभी तो काफी चेंज हो गई है, उसके अंदर हम एक चीज कहा था, व्हाट यू आर मेड अप ऑफ, एक सवाल पूछे सुबह, तो सब लोग बताते हैं हम ये हैं, हम मांस से बने हैं, हम इंसान है, ह्यूमन बींग है, तो कहते नहीं व्हाट दिस ह्यूमन बींग इज मेड ऑफ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है। तो फिर हम एक एक्सरसाइज कराते 52-1 जो मैंने उस दिन कराई भी थी, रिलैक्स कराया था, बिल्कुल, जैसे हम 52-1 गिनते तो बंदा रिलैक्स ज्यादा है, तो हम पूछते आप रिलैक्स में से 50 से लेके एक गिनने में तो क्या चीज थी जो चेंज हुई, आपका थॉट चेंज हुआ, थॉट प्रोसेस सो व्हाट यू आर मेड अप ऑफ, यू आर मेड अप ऑफ योर थॉट। अगर आपका थॉट गुस्से का है तो आप गुस्सा है, अगर आपका थॉट खुशी का है तो आप खुशी है, अगर आप उसमें रिलैक्स करो तो उसमें एक रिलैक्स पर्सन है, सो योर थॉट इज बेसिकली व्हाट यू आर, ठीक है। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आप सोचे क्या मैं गुस्सा हूँ, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछे, एक सिचुएशन में आप आ गए, सिचुएशन में और चाबी मैंने पकड़ ली है, लेकिन मैं अब क्या सोचूं, अब आप उस वक्त बेसिकली आपको सोच तो कुछ आ नहीं सकती, ठीक है, तो हम उस शख्स की बात कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत अपने सेंसेस में होता है और रहना चाहिए, आपका अवेयरनेस पे रहना चाहिए। हमें जिस शख्स को गुस्सा आता है उसको ये लगता है हर कोई बुरा है, वो सही है, सही, वो एक मुद्दे पे आते हैं, भाई मैं सही हूँ, इसके अलावा कोई चीज आगे राइट और रॉन्ग, ठीक है, या मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है, उस वक्त उसको या तो अपनी पोजिशन चेंज करनी, बैठा हुआ है तो खड़ा हो जाए, खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, पानी का ग्लास पी ले, थोड़ा सा मूव करना शुरू हो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, सही है, लेकिन इतनी अवेयरनेस होना जरूरी है हमारी, यहाँ पर उस वक्त अवेयर है हमारी, हमारी जो एशियन खातून है औरतें हैं उनमें सबसे बड़ा इशू ये है, उनमें अवेयरनेस नहीं रहती है, वो चीख चगाड़े पे आ जाएंगी, या तो तोड़ फोड़ पे आ जाएंगी या तो निकल जाएंगी, तो ये चीज हमें बड़ा रखना, हमें एक अवेयरनेस अपने साथ रखनी चाहिए, हमें आगे उसको कंट्रोल करें उस मोमेंट पे, अगेन आप जब गुस्से में नहीं काउंटिंग करें, काउंटिंग करें, आप ये कर सकते हैं, बताओ कि उस लम्हे पे तीन दफा हमने आपको कैंसिल की हिप्नोसिस की टेक्निक है, या कोई गलत थॉट है या कोई गुस्से की थॉट है तो अपने जहन में तीन दफा कहें कैंसिल कैंसिल कैंसिल, लेकिन ये चीज आप तब डिसाइड करेंगे जब आप गुस्से में नहीं है, क्योंकि तब आप में अवेयरनेस होगी, लेकिन उस वक्त हम लोग अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते, फॉर एग्जांपल अभी आप गुस्से में नहीं, एक कॉलर ले लूं फिर भाई बात कंटिन्यू करें। समीना है इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम माया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक माया, अच्छा टॉपिक है लेकिन मुझे पुराना जी ओ समीना आई एम सो सॉरी, अभी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता था। जी 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 समीना आपकी आवाज़ कट गई थी, जी दोबारा कहिए क्या कह रही थी? पुरानी बातें याद आ गई कि जब यंग एज थी तो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था, शादी के बाद बच्चों के बाद आपको कंट्रोल करना पड़ जाता है, बिल्कुल मजबूरी होती है, लेकिन अभी भी लड़ाइयों की वजह जो है वो गुस्सा ही होती है, और मेरे साथ तो ये बहुत मसला था।